हाई गाइज तो पर्सनल ग्रूमिंग किसे अच्छी नहीं लगती इट इज़ एज इंपॉर्टेंट एज फूड इज़ फॉर आवर बॉडी वो कहते हैं ना स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ आत्मा का आवास होता है अगर मैं ग्रूमिंग की बात कर रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए है इवन बॉयज़ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टू मेटेन देयर ग्रूमिंग एंड ऐसी ग्रूमिंग का इसेंशियल पार्ट है अनवॉन्टेड बॉडी हेयर को रिमूव करना जो बहुत लोग इसे एज अ रूटीन भी फॉलो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर हेयर ग्रोथ बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए हेल नंबर ऑफ़ मेथड्स हैं जैसे कि रेजर हो गया एपिलेटर और ट्रिमर वैक्सिंग है ना लॉट बट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही हर कोई कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है बट स्टिल आप सब में बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी भी बेटर ऑप्शन को सर्च कर रहे होंगे इवन मैं भी कर रही हूँ अगर मुझे इन सब मेथड से कोई बेटर वे मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट जिसमें मुझे ना तो कट्स लगने का डर हो ना इन्फ्लेमेशन हो ना पेन हो ना ही फ्रीक्वेंटली हेयर को रिमूव करने की ज़रूरत हो तो वाई नॉट सो टूडे आई हैव दिस यूनिक हेयर रिमूविंग स्प्रे फ्रॉम द ब्रांड न्यूड अब आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन होंगे कि वाई दिस हेयर रिमूविंग स्प्रे वाई इज दिस यूनिक सो लेट मी टेल यू ये प्रोडक्ट स्प्रे की फॉर्म में मिल जाता है जो इसे बनाता है एनी वेर एनी टाइम यूज प्रोडक्ट ऑल यू हैव टू डू इज टू स्प्रिंकल हेयर रिमूवर स्प्रे ऑन डिजायर्ड एरिया वेट अप टू टेन मिनट्स एज पर देयर ग्रोथ एंड थिकनेस ऑफ योर हेयर clean it with wet cloth and you are done now office se party ka plan a is just an important event you don't have to worry about your body hair because nude hair remover spray will got your back and now isn't it easy and convenient who do subkooch without creating any mess along with it इट्स वेरी वेरी इजी हैंडलिंग इसे यूज करने के बाद मेरी हेयर ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है दिस स्प्रे हैज़ पावरफुल बायो एक्टिव सचेज नीम ऑयल एलोवेरा कैमोमाइल, होबा ऑयल लेमन ऑयल एंड सनफ्लावर सीड्स एंड दिस फॉर्मुलेशन इज़ पैराबिन फ्री जिसकी वजह से हम हेयर को स्मूथली रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेडनेस इचीनेस इन्फ्लमेशन जो हमें यूजली फेस करनी पड़ती है वेन वी यूज अदर हेयर रिमूविंग मेथड्स एज दिस प्रोडक्ट इज स्किन फ्रेंडली बट still there are few things i want to recommend that is always do a patch test before using any kind of new product also it is a unisex product so anybody can use it as per their desire but do not use it on your face armpits or intimate area so you can check it check it out on this amazing christmas and new year gift from everteenew.com and it is also available on amazon and flipkart and i will also share हाउ टू यूज दिस इट इट्स इट इज़ वेरी वेरी ईजी जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना इसका जो बाइंग लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन लगाना थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है मुझे सो आई थॉट मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँ तो विद एम वेटिंग सो लेट सी एंड यार काफ़ी अच्छा सा टेक्स्र है इसका यू you नो know, पानी सा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने पानी लगा लिया एंड लेट्स इज गोइंग टू वर्क एंड काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है वैसे ना ऐसी चीज़ों को यूज़ करना स्पेशली इन ट्रैवल इट इज़ लाइक रियली रियली नेसेसरी एंड फॉर न्यू मॉम्स लाइक मी जिनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता यू you नो know, कुछ भी करने का सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन एंड अब मैं इसको एट मिनट्स रखूंगी एंड देन मैं रिमूव करूंगी तो अच्छी बात यह है कि बिल्कुल मैसी नहीं है जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स होते हैं आपको लगा के थोड़ा वेट करना पड़ता है इसमें भी वेट तो करना पड़ेगा बट ये बिल्कुल मैसी नहीं है आप देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि मैंने ये कुछ लगाया हुआ है एट मिनट्स आपको वेट करना है मैक्स टू मैक्स टेन मिनट्स उससे ज्यादा नहीं अगर आपके हेयर कोर्स हैं तो आप टेन मिनट्स वेट करो बट मेरे जैसे अगर आपके फाइन हेयर हैं तो यू कैन वेट फॉर इजिली फॉर फाइव टू एट मिनट्स एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग आठ मिनट कम्प्लीट होते ही देखते हैं जादू ओके गाइज तो यहाँ पे एट uh, मिनट्स हो चुके हैं एंड मैं यहाँ पे एक uh, वेट क्लॉथ के हेल्प से इसको रिमूव कर लूँगी एंड यू कैन सी कि बहुत सारा हेयर जो है वो रिमूव हो रहा है इस तरीके से सो या मतलब इट इज़ टू माई सरप्राइज दैट इट हैज़ वर्कड रियली वेल एंड काफ़ी सारा हेयर इसने बहुत ही अच्छे से रिमूव कर दिया है नाउ आई वॉज इंट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस गुड बट दिस इज़ रियली रियली गुड जस्ट लोकेटेड सारे जो हेयर हैं वो इस वेट वाइप पे आपको दिख जाएंगे इजेंट दिस अमेजिंग सो अगेन मैं बता दू कि बाइंग लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा जरूर उसको चेकआउट करना एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टे सब्सक्राइब आई एम लिटरली अमेज सारा जो हेयर था ना वो इस तरीके से इस पे आ गया है एंड या इट इज क्वाइट हैंडली आई फील डेफिनेटली यू शुड चेक आउट दिस प्रोडक्ट एंड इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जरूर चेकआउट करना इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट आई फील बहुत ही ऑन द गो प्रोडक्ट है एंड बहुत ही इजीली इसने वाइप कर दिया देखो माय हेयर माय हैंड इज़ लुकिंग सो परफेक्टली फाइन एंड काफ़ी सही और स्मूथ सी फिनिश आ गई है एंड ये थोड़ा सा अभी भी रफ है बट आई लाइक लाइक द वे इट वर्कड सो डेफिनेटली थम्स अप फ्रॉम माई साइड सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड चेकआउट करना इस प्रोडक्ट को एंड ना विदाउट ब्लैबरिंग एनी फर्दर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ टेक केयर गाइज बाय